सो यार गाइस, तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए पांच ऐसे कमाल के बेहतरीन एंड्रॉयड ऐप्स जो कि शायद आपको जरूर से यूज़ करनी चाहिए। सो यार गाइस, तो काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन आपको जरूर से ट्राई करने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो यार प्लीज़ कमेंट में हमें बता दो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दो। सो यार गाइस, ऐसे में मैं कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मैं किन टाइप की कॉन्टेंट को बनाऊँ। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दें, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो यार गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार गाइस, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन का। मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन वो प्रो स्क्रीन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप यूज़ करके जैसा कि लाइक यहाँ पे अपने स्क्रीन को काफ़ी अमेजिंग वाला लुक दे सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको रिकमेंड करता है कि आपके कौन सा थीम आपको डाउनलोड करनी चाहिए, कौन सी लॉन्चर डाउनलोड करना चाहिए और कौन से आइकन पैक। तो आपको जैसा कि यहाँ पे आप टैप करोगे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और ऐसे ऐसे आप कस्टमाइज करके आप अपने इसके जैसा, जैसा कि आपको वॉल पेपर दिख रहा होगा तो आप उसके जैसा स्क्रीन को प्रो स्क्रीन के जैसा बना सकते हैं। और तो जैसा कि आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एमोल्ड वाल पेपर, डार्क वाल पेपर और वॉलपेपर की आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग 4K हाई क्वालिटी की वॉलपेपर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आपके स्मार्टफोन पर चार चांद लगा देगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को बेसिकली जोर से ट्राई करनी चाहिए। और तो और गाइस, जैसा कि मैं आपको जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ उन सारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और बात की जाए इन एप्लीकेशन के बारे में, तो इसमें आपको काफ़ी अमेजिंग हाई क्वालिटी की वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि पोस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिन पर आप यहाँ पे साइन अप करके आप अपनी भी वॉलपेपर को क्रिएट करके, अगर वॉलपेपर आप क्रिएट करते हो तो आप वहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे फ्री वॉलपेपर की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग आपको अभी वॉलपेपर इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि ये रिकमेंड करता है। और यहाँ पे फ्री एक एंड पैक्स एप्लीकेशन, तो जैसा कि फ्री एक एंड पैक एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको रिकमेंड करता है, जैसा कि आप यहाँ पे उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लाइक जैसा कि अगर आप मेरी तरह कोई एक यूट्यूबर हो तो आपको यहाँ पे PNG की भी जरूरत पड़ती होगी, तो आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे कई सारी इमेजेस मिल जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अमोल्ड, डार्क, इलस्ट्रेशन और भी कई सारी कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग मिलते हैं, इलस्ट्रेशन, लाइट, मिनिमल और नेचर, अदर, तो और भी कैसे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो काफ़ी कम एमबी का ऐप है और काफ़ी अमेजिंग ऐप है। अगर आपको स्मार्टफोन को, अगर अपने स्मार्टफोन होम को, होम स्क्रीन को प्रो स्क्रीन बनाना है, तो आपको इस एप्लीकेशन को बेसिकली जरूर से ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पर टॉगल थीम देखने को मिल जाती है जिन्हें आप डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हो। तो बात की जाए सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, सेकंड जो एप्लीकेशन वो है बैटरी ग्रो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बेसिकली था आपको काम में आ सकती है, लाइक जैसा कि बैटरी, अगर आपका बैटरी जो है वो स्लोली जल्दी से जल्दी जो है आपका डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, अगर आपका अगर आपका बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होता है, तो ये आपको बताएगा कि आपको बैटरी में क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको कैपेबिलिटी भी बता सकती है, कैपेसिटी ये सब पे, इस बैटरी की कितनी कैपेसिटी है, और भी कई सारे ऑप्शन बैटरी से रिलेटेड आपको इसमें मिल जाते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी बैटरी को किल कर रही है, तो उन एप्लीकेशन रोक सकती है। और यहाँ पे जैसा कि आपका कितना परसेंटेज चार्ज है, कितना परसेंटेज चार्ज में लगा हुआ है, तो काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन वाली एप्लीकेशन आपको जोर से ट्राई करनी चाहिए। सो हे गाइस, तो बात की जाए थर्ड एप्लीकेशन बारे में, थर्ड एप्लीकेशन वो है लिनक्स लॉन्चर का। ये काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है, लाइक जैसा कि इसके अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग यूआई वाला आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जिन पे आप यहाँ पे जैसा कि अगर आपके फ्रेंड्स देखेंगे तो जैसा कि वो फ्रेंड्स आपके बोलेंगे कि यार किसी का मोबाइल हैक कर रहा है या किसी का कुछ हैक कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका यूआई इतना बेटर है कि काफ़ी अमेजिंग देखने को लग रहा है। और तो जैसा कि इसके यूआई को कोई भी देख कर बोलेगा कि आप किसी भी मोबाइल को हैकिंग कर रहे हो, लाइक जैसा कि इसके थीम को जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे सिंपली से आपको किसी की कॉपी टैप करना पड़ेगा या यूट्यूब टैप करना पड़ेगा, तो पे YouTube ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि मोबाइल का आइकन होगा तो जैसे कि आप वहाँ पे टैप करेंगे तो कई सारे नीचे में एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका डाटा ऑन रहेगा तो ये भी बता देगा कि आपका डाटा ऑन है या ऑफ। और भी कई सारे एप्लीकेशन जैसे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि देख लेंगे दिखाई दे रहा होगा, और किस डेट को ये किस टाइम को यूज़ करेंगे तो वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिर सर में कई सारे ऑप्शन है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हे गाइस, तो बात की जाए फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में, फोर्थ एप्लीकेशन वो है टैपेट एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन आपको बेसिकली रिकमेंड करती है कि आपके स्मार्टफोन पे कौन सा जो वॉलपेपर है वो आपके स्मार्टफोन पे काफ़ी अमेजिंग लुक देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्वाइप अप या स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप डाउन, तो किसी भी तरह करेंगे तो आपका जैसा कि वॉलपेपर चेंज होते रहेगा। और यहाँ पे ठीक वाले ऑप्शन पर टैप करके जो है आप यहाँ पे उस वॉलपेपर को सेव कर सकते हैं। और भी इसके कई सारे इधर कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिन पर आप टैप करके यहाँ पे अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज करके अपने होम वाई पे सेव कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
होगा। तो टैपेट एप्लीकेशन काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन आपको जरूर से ट्राई करनी चाहिए, इसके अंदर आपको रिकमेंड करता है लाइक अगर आपका स्मार्टफोन एमोलेड है या सुपर एमोलेड है या कोई भी अदर एमोलेड वाली टीएफटी स्क्रीन वाली है, तो अगर आप उसमें यहाँ पे रिकमेंड करोगे तो आप यहाँ पे जैसा कि अपने हिसाब से रिकमेंडेशन वाली वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर भी आपको कई सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रीमियम वाले होते हैं और इनमें आपको कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं, तो उनके बाद ही आपको इस वॉलपेपर को यूज़ कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे ब्राइटनेस कैपेसिटी और यहाँ पे जैसा कि अप डाउन या लेफ्ट राइट करोगे तो उसका जो कलर है वो थोड़ा ग्रेडिंग से डिग्रेड हो जाएगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग यूआई वाला वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से तो बात की जाए लास्ट और आखिरी एप्लीकेशन के बारे में, वो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड 12 एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन बेसिकली अंदर आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, तो और भी कई सारे ऑप्शन है जैसे कि एंड्रॉइड 12 सेंटर आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि टाइल का कलर, इनेबल कंट्रोल सेंटर, और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ इसके एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो इसे डिग्रेड भी कर सकते हो, अपने हिसाब से पिक कर सकते हो कि कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उस कलर को सिलेक्ट करोगे तो आपका यूआई आपका जो है कंट्रोल सेंटर है आई मीन नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर तो उस कलर का हो जाएगा। काफ़ी अमेजिंग लगता है जैसा कि सेम डिटो आपको एंड्रॉइड 12 के जैसे देखने को को लगता है। और तो जैसा कि अगर आपको बताने वाला गूगल पिक्सेल 6 या गूगल पिक्सेल 5 स्मार्टफोन जो है वो उसके अंदर एंड्रॉइड 12 आया है, तो काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स है। और जैसा कि अगर मैं बताऊँ तो एंड्रॉइड 12 रिलेटेड इसके वॉलपेपर भी काफ़ी अमेजिंग है। और यहाँ पे जैसा कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ एड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे स्मार्टफोन कौन सा ब्रांड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंड्रॉइड 12 रिलेटेड वाली वॉलपेपर को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो। और तो और इसके अंदर आपको यहाँ पे जैसा कि इसमें थीम भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको कौन सा थीम आपके स्मार्टफोन पर बेटर लगेगा, आपका कौन सा डिवाइस है, तो आप उस डिवाइस को चूज़ करके आप अपने हिसाब से एम्पैक या थीम को डाउनलोड कर सकते हो और इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो एंड्रॉइड 12 से रिलेटेड जैसा कि यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो और एंड्रॉइड 12 जैसा क्रिएट कर सकते हो, तो काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन आपको जोर से ट्राई कर। तो काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है, इसके अंदर आइकन पैक थीम जैसा कि काफ़ी रिकमेंड करते हैं। तो लाइक जैसा कि आपको एंड्रॉइड 12 जैसा अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन आपको जोर से पसंद आएंगे। एंड गाइस तो ये थी टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड एप्स वाली वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सो या गाइस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड पीस आउट। सो या गाइस तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो हार्ड रेड हार्ड, और जैसा कि अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो यानी कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज येलो हार्ट तो सेंड कर देना। तो या गाइस बाय।